नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भरोसे का बजट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आज बजट पेश हो रहा है, जिसको लेकर जो छत्तीसगढ़ का सियासी पारा है वो भी गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूदा सरकार का आखिरी बजट आज पेश करेंगे और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार इसे भरोसे का बजट नाम से पेश कर रही है। चुनावी साल कोई नया कर लागू नहीं होने और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की उम्मीदें इस बजट से जताई जा रही हैं। विधानसभा में पहली बार ई बजट पेश होगा। चुनावी साल में बजट से हर वर्ग को उम्मीद है। सीएम भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। और चलिए अब आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं, जहां सदन में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, उस पर जांच करा लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माइनिंग ऑफिस में पंचायत के द्वारा मैं कल उसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगी और इसमें शिकायत पंचायत के तरफ से जनपद सदस्य सरपंच के द्वारा की गई थी, जिसमें मेरी अनुशंसा भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलतः ये माइनिंग डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है, आप गृह मंत्री हैं, जो हमारे यहाँ गया है और माइनिंग से जानकारी जो मिली उसके अनुसार में 4 शिकायतें थी, उसका निराकरण हो गया है। माननीय सदस्य जी ने अगर शिकायत किया है तो जानकारी दे दें, मैं विभाग को भिजवा देंगे और निश्चित तौर पर उस पर जाँच हो जाएगी। माननीय श्री नरेंद्र चंदेल, कहा गलत जानकारी दी गई है माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी जिम्मेदारी से उसमें तो नियमतः कार्यवाही की घोषणा होनी चाहिए। जानकारी क्या देंगे, क्या लेंगे? जब माननीय विधायक महोदय बोल रहे गलत जानकारी दी गई, विधायक सत्तारूढ़ दल की विधायक है और जानकारी गलत दी गई है, उन्हें माइनिंग के लिए कहा है, गृह मंत्री के लिए नहीं कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नगरीय निकायों में आवास से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वरिष्ठ में भी उत्तर है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक जांजगीर चांपा जिला के नगर पालिका जांजगीर नैला में प्राप्त 385 आवेदनों में से मात्र 199 स्वीकृत करने तथा नगर पालिका कलतरा में 259 में से 127 स्वीकृत करने तथा शेष आवेदन निरस्त करने के क्या कारण है? एक दूसरा माननीय कि कितने आवासों का लक्ष्य सारे नगरीय निकायों में रखा गया था? ये पूरे जिले से संबंधित है, जांजगीर चांपा और शक्ति जिले से। तो विधानसभा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है और सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता, विधानसभा में मौजूद है इस वक्त हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जी हेमंत, क्या अधिक जानकारी आपके पास है, क्योंकि इस वक्त आप विधानसभा में ही मौजूद है? जी देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है, प्रश्नकाल अभी चल रहा है और 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना कार्यकाल के अंतिम बजट पेश करेंगे। उद्योग मंत्री हम कवासी लखमा हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। काफी महत्वपूर्ण दिन है छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री, नंबर वन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया, बजट भी सबसे बढ़िया होगा। किसान सबसे पहले हमारा फोकस किसान है, मजदूर है, व्यापारी है और आदिवासी है, ये बजट सबसे बढ़िया होगा। चुनावी बजट बता रहे हैं, बिग पास को तो खाली सुनाव सुनाव देखता है, एक दिन रात में नहीं सो रहे ये लोग। बजट में पेश अलग करते हैं और गैस का रेट अलग 50 रुपए बढ़ा है, इसका किसके लिए है, किसके लिए? ऐसा नहीं होता है सरकार में। हम लोग बजट में एक बार बात करते हैं, 5 साल के लिए बजट होता है। कर्मचारियों की घोषणा जब अभी 1 घंटा बचा है, आपको सबको पता चलेगा। तो ये देखिए, मंत्री कवासी लखमा थे हमारे साथ और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 12:30 बजे जब बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो कई सारी घोषणाएं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को फोकस हमने किया हुआ है और विपक्ष जिस तरीके का आरोप लगाया रहा है कि ये चुनावी बजट होगा, उस पर भी उन्होंने कहा कि विपक्ष को खाली चुनाव दिखता है, लेकिन हम चुनाव की दृष्टि से बजट तैयार नहीं किए हैं, बल्कि जनता का हित किस तरीके से हो ये बजट उसी तरीके से तैयार किया गया है। कहा कि विपक्ष को सिर्फ चुनाव ही दिखता है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि विपक्ष की तरफ से इस
बजट को लेकर के कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे वक्त से पहले कुछ देर पहले तक विपक्ष उठाता रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें विपक्ष को इस बजट से हैं? आपने बात की जी अमन। देखिए निश्चित तौर पर कुछ देर पहले हमने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री एच एस नागर जो कुरुत के विधायक हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरीके से चुनावी रहेगा और आंकड़ों के मायाजाल में फंसाने की कोशिश सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि हमें इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर बजट पे जो राशि का प्रावधान किया जाना है उस राशि का खर्च ही नहीं कर पाएगी सरकार, क्योंकि चार महीने बाद आचार संहिता यहाँ पर लग जाएगी। इसके साथ साथ सीधा आरोप विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि पिछले दो बार के बजट का में जो प्रावधान किया गया था उसकी भी राशि खर्च नहीं कर पाई सरकार। लेकिन अब 12:30 बजे जब ये बजट पढ़ना शुरू करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तब ये पता चलेगा तो थोड़ी देर में कि क्या कुछ घोषणाएं जनता के हित में होती है जी। और क्या कुछ निशाना साधने जैसी जो बयान है विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से आ रहे हैं कि कम से कम इस वर्ग को या फला वर्ग के लिए ज्यादा ध्यान सरकार को देने की आवश्यकता है, जिस पर खुली चुनौती जिस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से दी गई वो बजट के लिए? देखिए बुसरा, बेरोजगारी भत्ते को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला है, और सरकार ने जब पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें ये कहा था कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं को दिया जाएगा और उसके बाद हमारे साथ। चलिए अब सीधे अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं विधानसभा की, जहां सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। क्रिया है जैसे जो काम प्रारंभ करता है फाउंडेशन लेवल तक हो जाता है उसमें 25% राशि उपलब्ध कराने का है। अब जब काम ही प्रारंभ नहीं करेंगे, बहुत सारे जगहों में काम प्रारंभ नहीं किया गया है इसलिए नहीं हुआ है, या जो लक्ष्य है उसके लिंटल लेवल तक काम हो गया है तो उतने का भुगतान, जितना काम करेंगे उतना भुगतान होगा, मूल्यांकन सत्यापन के बाद भुगतान होगा। अध्यक्ष महोदय, जीरो है, जीरो जवाब में आया है, जीरो। एक हितग्राही को एक रुपया नहीं दिया गया है। माननीय हितग्राही को कुछ पैसा देता तो समझ में आता, एक हितग्राही को एक रुपया नहीं दिया गया है। आप जवाब देख लीजिए, ठीक है, एक हितग्राही को एक रुपया नहीं दिया गया, किसी भी हितग्राही को एक भी रुपया नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? आप अपने वर्क प्रोग्रेस के भाई दीजिए। आपके मोदी जी ने तो पूरा पैसा रोक के रखा हुआ था, इसीलिए तो लेट हुआ। एक हितग्राही को एक पैसा नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्यों नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब काम प्रारंभ नहीं हुआ है तो पैसा कैसे देंगे? काम प्रारंभ होगा तभी तो पैसा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गंभीरता से आरोप लगा रहा हूँ, बलौदा नगर पालिका में 200 लोगों के प्रकरण को सीएमओ ने 2 महीने से पैसा नहीं मिलने के कारण, घूस का पैसा नहीं मिलने के कारण रोक कर रखा है प्रकरण। 200 प्रकरण बलौदा नगर पालिका में, और इसमें एडवांस देने का प्रावधान है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं जीरो, एडवांस देने का प्रावधान है। आप एडवांस नहीं देंगे हितग्राही को तो हितग्राही काम कैसे चालू करेगा? कहां प्रावधान है, किस नियम में लिखा है एडवांस देने का? मैं आपको यह बोल रहा हूं, 200 लोगों का प्रकरण बलौदा में आज दिनांक में पेंडिंग है, पर्ची मंगवा ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 पेंस स्वीकृत है, काम प्रारंभ हो गया है, काम वहां पर प्रारंभ हो गया है। सीएमओ ने फाइल रोक कर रखी है क्योंकि सीएमओ को जो मिलना है, जो अपेक्षा है, वो मिल नहीं रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास का मामला है, गरीबों का मामला है, क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे क्या? चलिए आप पूछिए चंद्राकर जी। मैं बता रहा हूँ, जीरो क्यों है, शून्य क्यों है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो एडवांस देने का प्रावधान इसमें नहीं है, पहले सदस्य जी अपना जानकारी दुरुस्त कर ले। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कार्य प्रारंभ किया जाता है तो जियो टैगिंग कर कार्य प्रारंभ करने का, कार्य करने पर फाउंडेशन के लेवल पर 25% देने का प्रावधान है। दूसरा, बलौदा में हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं आपको बता देता हूं, बलौदा में जो स्वीकृत आवास है वो 1 जनवरी 2020 से 2023 तक का बता देता हूँ आपको, पूरा जानकारी ले लो, आधा पूरा जानकारी। आप जीरो बोल रहे हैं,
मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इसी साल का बता दीजिए भैया, देखो जवाब में जीरो बोल रहे हैं। सुनिए ना, आप पैसा दे दिया, मैं नहीं बोल रहा हूं। इस साल का 11 महीने में आपने 1 रुपए नहीं दिया, इसी को पूछ रहा हूं मैं। इसी देखे वो प्रावधान ही है। एक तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि इस साल में आपने क्यों नहीं पैसा दिया, 11 महीने में आपने पैसा क्यों नहीं दिया हिंद्रही को, इसी साल का बता दीजिए पुराना। माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है जियो टैगिंग करने के बाद काम प्रारंभ करना है। अब जब काम जियो टैगिंग हुआ ही नहीं, काम प्रारंभ नहीं हुआ तो पैसा कैसे देंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, मंत्री जी जांच करा ले। 200 जगह पर की फाइल रुकी हुई है, सारे प्रकरणों में जियो टैगिंग हो गई है, सारे प्रकरणों में काम चालू हो गया। मंत्री जी जांच करवा लेना, सीएमओ को क्या बता। अगर 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 काम प्रारंभ हो गया है तो उसका मूल्यांकन कर लेंगे, लिंटल लेवल तक आएगा तो पेमेंट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 200 लोगों की फाइल पेंडिंग है, मंत्री जी चेक करवा रहे। मंत्री जी का ये छोटा मामला मंत्री जी तक नहीं आता, वो नीचे में निपटा देते हैं उस मामले को। चलिए चंद्राकर जी, वो भी मामला आता है। चंद्राकर जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ओर से पूछना चाहता हूँ या मेरी ओर से आप पूछ दीजिए। मेरे आज के एक प्रश्न में 1,29,000 मकान पूरे प्रदेश में स्वीकृत हुए, टोटल प्रगति 24% है, टोटल पूर्णता की। आप पूरे परिशिष्ट को पढ़ लीजिए, 1920 में जो स्वीकृति और आरंभ है वो जीरो है, 2021 में आवास निर्माण अप्रारंभ जो है 15 है, उसके बाद में 87 है और उसके बाद में जीरो है। मैं ये जानना चाहता हूं 20 से जो शुरू किया है आपने, 21 से जितने मकान 298 स्वीकृत किए हैं अलग अलग नगर पंचायतों में, उसमें से सभी में कितने मकान शुरू हो गए और कितने मकान पूर्ण हो गए और कितने के प्रथम किस्त या द्वितीय किस्त या तृतीय किस्त मिल गए? आप जवाब देंगे क्या मंत्री जी? हाँ बिल्कुल बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। ये जो पूछ रहे हैं तो मैं इनको तो पूरे सालों का बता देता हूँ, एक साल नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015-16 में स्कीम चालू हुई। 15-16 नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने परिशिष्ट के अंदर प्रश्नों का, अरे सुनना तो सीखो पहले, मैं पॉइंटेड पूछा हूँ। 15-16 कहानी, ये समय काटने वाला काम मत करे। मंत्री जी का जवाब आ रहा है, जब दे रहे तो सुनो तो भाई, ये पूछ रहे हो तो सुन भी लो पहले, सुनने का। अरे जब से सुन रहे हैं तब से सुन रहे हैं, जब से स्टार्ट हुआ तब से सुन रहे हैं, सफल नहीं होने वाला, सुनने में क्या दिक्कत है? चलिए बैठे आप लोग, प्लीज बैठे जी, आप लोग बैठे भाई, बैठे बैठे, बहुत कीमती समय है बर्बाद। सदन में कमजोर हृदय वाले भी बैठते हैं, बहुत नहीं नहीं हुआ ये नगर परंपरा विकसित। अगर अध्यक्ष मौजा है तो जवाब मंत्री जी का। अरे सुन लेंगे ना, आप बैठते ना, आप बैठ जाओ बैठ जाओ, प्रश्न काल का समय लिमिट होता है भाई, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये लगातार जो बाधित कर रहे हैं, मंत्री हमारे सक्षम है, मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं भाई, जवाब मैं तो दे रहे हैं। आप बृहस्पति सिंह जी बैठे, आप बृहस्पति सिंह जी बैठे। तो आपने सदन की कार्यवाही की लाइव तस्वीरें देखी और